क्या कहेंगे क्या सर? बेल्ट्रॉन एक ऐसी संस्था है जिसमें जीरो नंबर ला के, देखिए जीरो नंबर लाया गया है, एक बार दिखा दीजिए, जीरो नंबर ला के इन लोग को नियोजन किया जा रहा है, इन लोग को जॉब दिया जा रहा है। हम लोग रिटेन दिए, टाइपिंग दिए, फाइनल में आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें से आधा का बहाली हो गया, आधा का नहीं हुआ है, बेल्ट्रॉन बेच दिया जा रहा है, बेच। अब बताइए ये कहाँ का नियम है, जब एक विज्ञापन निकलेगा और 3 साल का उसमें बेहतर दी जाएगी तो ये सुसंगत की बात है कि कभी भी उसके बीच में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जबकि हाई कोर्ट का आदेश भी है। लीगल प्रेशर था और उस समय डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे और उन्होंने बेल्ट्रॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और हम लोगों की जो भी रिक्ति थी, जो भी सीट थे यहाँ जिला में कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो सारा रिक्ति जो है बेल्ट्रॉन को दे दिए, जबकि ऑलरेडी हम लोग जिला स्तरीय पैनल में सेलेक्टेड बचे हुए हैं और हम लोगों को माना कर दिया गया कि आप लोगों का नियोजन जो है नहीं होगा, अब जो भी हम न्यू वैकेंसी है वो हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से करेंगे। तो जब ऐसा ही करना था तो फिर हम लोगों का फुल प्रक्रिया के साथ बहाली क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त हम रावरी आवास के सामने मौजूद हैं। आपको बता दें कि कार्यपालक सहायक की जो संविदा पे बहाली निकाली गई थी उसी को मांग के लेकर अभी जो यहाँ पे जो है अभ्यर्थी आए हुए हैं और अभी जो तेजस्वी यादव आए हुए थे उनसे भी मुलाकात की और उनसे भी मांग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप हमारे आवास पे आइए और हम वहीं जो है बातचीत करेंगे। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे, किन मांगों को लेकर आए हुए हैं, क्या क्या लगता है कि अभी नई सरकार बनी है महागठबंधन की, आपकी बात को सुनी जाएगी। आप अभी रावरी आवास के पास आए हुए हैं मिलने के लिए, तेजस्वी यादव भी अभी जो है आपसे मिले, तो उन्होंने क्या कहा? जी उनसे हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने आश्वासन मिला है कि हम लोगों का जो भी पैनल जिला स्तरीय बना है उससे आप लोगों का नियोजन कराया जाएगा और ये जो ठेका प्रणाली है वो बीजेपी के गवर्नमेंट में थी, हम लोगों की सरकार में ठेका प्रणाली नहीं है और जो भी पैनल बीपीएसएम के माध्यम से आप लोगों का बना है उसका नियोजन हम लोग बीपीएसएम के अंतर्गत ही आप लोगों का करवाएंगे ज्वाइनिंग। जी क्या क्या मांग है, क्या क्यों आए हुए यहाँ पर? हम लोग की मांग नियोजन से है, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का नियोजन कराया जाए। जो पैनल बना था 2018 में, लगभग 3-4 साल होने जा रहा है पैनल को, लेकिन अभी तक जो है हम लोग बेरोजगार हैं और यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग क्या था पैनल क्या था? अनियोजित कार्यपालक सहायक की पैनल बनाई गई थी जो कंप्यूटर ऑपरेटर का, हर विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली के लिए हम इन लोग के पैनल से ज्वाइनिंग कराना था, लेकिन वो ज्वाइनिंग फिलहाल रोक दी गई है और ये बेल्ट्रॉन से कराई जा रही है। रोकने का कोई वजह तो बताया होगा ना? क्या वजह था सर? ये कुछ वजह ऐसा कुछ नहीं है, बेल्ट्रॉन एक ठेके की पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो है पॉलिटिकल प्रेशर था और उस समय डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे और उन्होंने बेल्ट्रॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और हम लोगों की जो भी रिक्ति थी, जो भी सीट थे यहाँ जिला में कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो सारा रिक्ति जो है बेल्ट्रॉन को दे दिए, जबकि ऑलरेडी हम लोग जिला स्तरीय पैनल में सेलेक्टेड बचे हुए हैं और हम लोगों को माना कर दिया गया कि आप लोगों का नियोजन जो है नहीं होगा, अब जो भी हम न्यू वैकेंसी है वो हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से करेंगे। तो जब ऐसा ही करना था तो फिर हम लोगों का फुल प्रक्रिया के साथ बहाली क्यों लिया गया? रिटेन दिए, टाइपिंग दिए, उसके बाद पैनल बना, पैनल बनने के बाद उसी पैनल से आप लोग 50% लड़कों का नियोजन करवाते हैं और 50% लड़कों को बोल रहे हैं कि अब जो है न्यू रिक्ति पर हम वैकेंसी जो है हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से लेंगे, तो ये कहाँ की नाइंसाफी है? तो उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी और सुशील कुमार मोदी जो है बेल्ट्रॉन से अपना कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे जिसकी वजह से हम लोगों को रोक दिया गया। लेकिन अब नई सरकार बनी है तो पूरी उम्मीद है कि ये काम करेंगे हम एकदम। हम लोगों को नई सरकार बनी है, इनसे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का नियोजन करवाएंगे और बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत ही हम लोगों का नियोजन करवाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी तेजस्वी सर से मिल चुके हैं, उनसे आश्वासन भी मिला है कि आप लोगों के विषय पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों का नियोजन हम करवाएंगे। क्या कहेंगे क्या सर? बेल्ट्रॉन एक ऐसी संस्था है जिसमें जीरो नंबर ला के, देखिए जीरो नंबर लाया गया है, एक बार दिखा दीजिए, जीरो नंबर ला के इन लोग को नियोजन किया जा रहा है, इन लोग को जॉब दिया जा रहा है। हम लोग रिटेन दिए, टाइपिंग दिए, फाइनल में आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें से आधा का बहाली हो गया, आधा का नहीं हुआ है, बेल्ट्रॉन बेच दिया जा रहा है, बेच। देखिए आधा का बहाली क्यों हुआ है, क्या रीजन है? अब सुशील मोदी जी अपना बेल्ट्रॉन से बोले हम लेंगे, एजेंसी है वो, प्राइवेट है, प्राइवेट के हाथे बेच रहा है, हम लोग को नहीं ले रहा है। देखिए सर एक मिनट, सर ये देखिए, ये जीरो नंबर लाया है बेल्ट्रॉन में, उस लड़का को नौकरी हो रहा है, हम लोग सब चीज पास करके तब हम लोग को जो है बेरोजगार रखा जा रहा है, सब दिन आश्वासन दे रहे हैं, 3 साल 4 साल से हम लोग को सिर्फ आश्वासन, अभी भी आधा पोस्ट खाली ही है, ये है पूरा 8,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन हम लोग का नियोजन नहीं किया जा रहा है, एजेंसी के माध्यम से ले रहा है, हम लोग सर 4 साल से वेटिंग में पड़े हुए हैं।
ये कहाँ का नया है? लेटर निकाल, एक लेटर जारी कर दिए और उसके बाद बोले कि सारा ये जो प्रक्रिया होगा वो बेल्ट्रॉन के थ्रू होगा, आप लोग का नहीं होगा। जब हम लोग का पैनल सब बचा हुआ था, सब लड़के भी थे सारे, तब से ये प्रक्रिया रुकी हुई है, प्रक्रिया रुकी है 18-19 से रुकी हुई है। हम लोग कुछ लड़के का वैकेंसी हो गया आधे, मतलब 50% लड़के का बहाली हो गया, 50% लोग वेटिंग में है। अब वेटिंग में रहते हुए भी और पैनल रहते हुए भी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। अब बोला आप लोग उससे एग्जाम दे के आइए, हम क्यों जाएंगे एग्जाम देने? जब मैं बिहार सरकार, जब डीएम स्तर पे सब हम लोग का एग्जाम हुआ, टाइपिंग हुआ, सब हो गया, उसके बाद से बोल रहे कि प्राइवेट को दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? इसीलिए हम लोग आए हैं उप मुख्यमंत्री से मिलने और यहाँ ही बोले थे कि आश्वासन दिए थे कि हम लोग को सरकार आएगी तो आप लोग का काम जल्द से जल्द होगा। इसीलिए हम अभी तो तेज प्रताप से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? बोले हैं आवास पे आइए, हमारे आवास पे हम आप लोग का बात सुनेंगे, आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का होगा, काम होगा। हाँ, काम होगा, पूरी उम्मीद है कि काम करेंगे। पूरी उम्मीद है, तेजस्वी भैया का लक्ष्य है कि रोजगार देने का, इसीलिए हम युवा सब तेजस्वी भैया के साथ हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी भैया हम लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे। और एक चीज़ और था, अभी भी पंचायती राज विभाग के द्वारा हम लोग का लेटर जारी किया गया था जो कहा गया था कि जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं उन लोग को जो है कि जल्द से जल्द नियोजन कराने का, लेकिन इन लोग के बीच में क्या चल रहा है कि हम लोग का नियोजन नहीं करा रहा है? और ये जीरो नंबर वाले क्या, ये हमको समझ में नहीं आता है कि हम लोग ईटन दिए, टाइपिंग दिए, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग दिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इतना चीज़ होने के बाद भी हमारा योग्यता का कोई ये नहीं रहा, लेकिन जीरो नंबर वाले का योग्यता का माना जा रहा है। ये सारा सर देखिए किस तरह से घोटाला किया जाए। बेल्ट्रॉन के हर लड़का लगभग 5-6 लाख रुपया जमा करता है, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, इस तरह का चल रहा है। नौकरी जो है पैसे पे बिकने लगी जी, बेल्ट्रॉन में हर चीज़ के ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ये अभी बिक रहा है या पहले से ये जो सरकार थी? आप फिर बताइए ना, ये बताइए ना, हमारी रिटर्न टाइपिंग हर चीज हुई ठीक है, लेकिन यहाँ जीरो नंबर है, फिर भी जो है इनको बहाल किया जा रहा है। जीरो लाया हिंदी टाइपिंग में, बेल्ट्रॉन में जीरो नंबर लाया, उसका ज्वाइनिंग हुआ है। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग 40-50 सब मार के पास। बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो है सीट बेचती है सरकार, बेच रही है। अब देखिए ना सर, हिंदी टाइपिंग में जीरो नंबर लाया है, इंग्लिश में 39 मारा है स्पीड, हिंदी में जीरो लाया है, इसका ज्वाइनिंग हुआ। हम लोग हिंदी में 40-40 मार के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं, तो बेल्ट्रॉन तो वही चीज़ है। यानी अब जो है नौकरियां जो है पैसे पे मिलती है, मिलिए रही है ना, बेल्ट्रॉन से तो मिलिए रही है पैसे पर, तब ना जीरो नंबर वाला नौकरी में है। सरकार में पैसे पर बिक रहा था, लेकिन हम लोग आस और विश्वास के साथ आए हैं, क्योंकि आस और विश्वास का ये सरकार गठन हुआ है, महागठबंधन। उस टाइम भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, तो वो भाजपा वाले के साथ बिक चुके, मैंने भाजपा जो बिकाऊ है, जो हर चीज़ में बिना कमीशन का कहीं भी नौकरी नहीं लगता है, ना कहीं बात होता है, जबकि देखिए 3 साल का एक पैनल बना और 3 साल का पैनल में जबकि बहता उसका 3 साल दिया गया और बीच में ही एक पत्र आदेश जारी कर दिया जाता है कि अब बहाली बेल्ट्रॉन से होगा। अब बताइए ये कहाँ का नियम है, जब एक विज्ञापन निकलेगा और 3 साल का उसमें बहता दी जाएगी, तो ये सुसंगत की बात है कि कभी भी उसके बीच में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जबकि हाईकोर्ट का आदेश भी है कि कोई भी एक नियम बनाइएगा तो उसका 3 साल रखिएगा जब मेरे, और एक मेरे साथी उसके सरकार में मुख्यमंत्री जी के भी पास गए थे, लेकिन थोड़ा सा ये भाजपा वाले के दबाव में आ गए और ये हम लोग का काम नहीं किया, लेकिन हमारे तेज प्रताप और तेजस्वी भैया हैं और ये लोग आस और विश्वास और गरीबों का नेता है। जो भी भाजपा वाले हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोगों को पैसा लेकर बेल्ट्रॉन में ढुका दिए, अब हम लोग गरीब कमज़ोर लोग बचे हुए हैं जो इनके सरकार में हम, जबकि उनका आश्वासन और एजेंडा भी था चुनाव में, पहले भी था कार्यपालक सहायक जो एक नंबर पर है, वहीं हम लोग बचे हुए कर अनियोजित के पैनल से आए, जबकि एक ही पैनल से आधे आदमी का ज्वाइनिंग करा दिया गया और आधे को बीच में ही स्थगित कर दिया गया, बताइए कहाँ का संगत है। तो आपने सुना यहाँ जो आए हुए थे उनका कहना था कि जिला के द्वारा जो बहाली निकाली जाती है अब बेल्ट्रॉन के द्वारा निकाला जाता है, सीटों को बेचा जाता है। पहली जो NDA की सरकार थी वो सीट बेचा करती थी, लेकिन अभी भी जो है सीट खाली है। हम जो है तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए हैं, जब तक डिप्टी CM से मिलेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। अभी हम जा रहे हैं तेज प्रताप यादव से मिलने, उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो भी सीट खाली है हम उस पर जल्द से जल्द बहाली निकालेंगे और आप लोगों का जल्द से जल्द रोजगार देने का काम करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन, धन्यवाद।